आई होप दिस इज सेट, बैलेंस हो जाए यार, इसको चेयर पे बैलेंस कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज का सीन ऐसा है, अभी तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ और अब आने वाले कुछ दिन बहुत सारा ट्रैवल होने वाला है, तो उसके लिए कैमरा इज़ आउट, माई गिम्बल्स आर आउट, बहुत सारा सामान स्टॉक किया है, दो तीन जगह स्टॉप करने वाला हूँ, एवेंचुअली भी कहीं जाने वाला हूँ। आने वाले एपिसोड में यू विल फाइंड आउट हफ्तों में कि क्या हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो गया ना? नहीं, लेकिन यार ये गोवा आते ही जो फील है ना गोवा की, ये बहुत ही कमाल है। वैसे ये जो हेडफोन्स देख रहे हो, ये मैंने एयरपोर्ट से उठाए हैं अभी आने के टाइम, दिए तो सोनी WX100। चेक करता हूँ, लास्ट अभी दो तीन दिन यूज़ करता हूँ, इसके पहले तक तो एयरपोर्ट्स यूज़ कर रहा था और एयरपोर्ट्स आर फैंटास्टिक, बट आई एम वेटिंग फॉर द एयरपोर्ट्स 3, तो इसलिए मेरे को एयरपोर्ट्स प्रो लेने नहीं थे। हाँ, आज का ये आइटिनरी है कि सुबह से लेकर अभी तक थिंग्स वर ऑन पॉइंट, एक घंटा की फ़्लाइट, एक घंटा एट द एयरपोर्ट। यार इतनी ज़्यादा रश थी ना एयरपोर्ट पर, क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा वेडिंग्स हो रही है। आई थिंक 17 तारीख को कोई बहुत बड़ा मुहूर्त है, तो लाइन से अगर आप देखो इतने सारे लोग ही लोग, उसके बाद कम से कम 20-25 मिनट लगे हमें होटल आने में। और आते ही द फर्स्ट थिंग आई सी इज माई बालकनी एंड द सन शाइनिंग ऑन मी, ऑल प्रेज द मोस्ट हाई। यस, लेट्स सी व्हाट इज देयर। वेज पास्ता। हाँ, तो यार खाना खाते ही टक से सो गया, क्योंकि यार जब मैंने फ़ोन किया ना शाम को 6 बजे कि यार साउंड चेक कर लेते, एक बार चेकअप कर लेते सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि आप 8 बजे आप क्यों इतने जल्दी आना चाहते हो, आपका तो आफ्टर पार्टी है, तब 8 बजे आओ, 8 बजे साउंड चेक करेंगे। बट द पॉइंट इज कि आज रात की पार्टी होने वाली है फुल पावर, डे 1 इन गोवा, आफ्टर पार्टी। माय नेम इज डोरेको और मेरे साथ आज एक पर्कशनिस्ट भी है जो बहुत कमाल का पर्कशन प्ले करते हैं, वो ऊपर वाले रूम में वो रेडी हो रहा है। फाइनली इतनी देर के बाद सेटअप कंप्लीट हो गया, 12:30 बज रहे वैसे हैं। मीट गनी भाई अपने स्टार है, सब हेल्प करते हैं अपने को शॉर्ट करने के लिए। और अभी के लिए फिलहाल सेटअप रेडी है, भाई का पर्कशन रेडी है, लिक्विड ड्रमिंग, जैम ड्रमिंग, वो अपने पर्कशनिस्ट भाई उधर खड़े हैं, अभी अंधेरे में दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन पीछे की लाइट चालू हो जाएगी तो और कूल लगेगा। नियॉन और बाकी पूरा द एंटायर सेटअप इज़ नियॉन, इट्स एन आफ्टर पार्टी, यंगस्टर्स आफ्टर पार्टी में यार कूल लगना चाहिए। मज़ा आने वाला है आज, बाकी तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, आई विल टेल समवन टू रिकॉर्ड, और कुछ ग्लिम्सेस दिखाता हूँ मैं आपको कि आज क्या हो रहा है पार्टी में। गुड मॉर्निंग। जनरली यार गोवा में जब वेडिंग पार्टी होती है ना तो वैसे ही चलती है, आपने धमाल देख ही लिया, बहुत ज़्यादा ही धमाल किया लोगों ने रात को। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ, तो यार सीन ऐसा है कि आज सुबह का भी फंक्शन है वेडिंग्स में, मतलब आज एक्चुअली मेहंदी है, टाइम अभी 11:15 हो रहे हैं, आई एम लेट बाय 10 मिनट्स, बट यार रात को आते आते 3:30-4 बज गए थे और आते ही सो गया। और आपको ये वेन्यू, ब्यूटीफुल वेन्यू नहीं दिखा पाया, लुक एट द वेन्यू, सो ब्यूटीफुल, कूल वूल भी है, लेकिन यार टाइम तो नहीं है इसको एक्सपीरियंस करने का अभी के लिए। फिलहाल अभी हैव टू रीच द वेन्यू बाय 11 o'clock, दोपहर का भी फंक्शन है और उसके बाद रात का भी फंक्शन है, तो आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है, बट एक्साइटिंग, दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ डीजे। अपना जो होटल था वो थोड़ा टाइम पास है, ये थोड़ा होटल कूल है। नहीं, प्रियंका हाय, शी इज़ होस्टिंग द इवेंट, कल तो उसने किल कर दिया, आज भी थोड़ी स्ट्रेस्ड है, और अभी आज का फंक्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, दिस इज इन ITC। थोड़ा सा मैं तो खाली पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला हूँ, बट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है यार, मजा आ रहा है ये प्रॉपर्टी में। वेल गाइस, जस्ट केम टू द वेन्यू और हमारे गनी भाई जोर लगा के गनी भाई सेटअप कर रहे हैं, और द एंटायर वेन्यू, दिस इज गोइंग टू बी द स्टेज फॉर द नाइट, द ट्रस इज गोइंग अप एंड दिस इज द एंटायर वेन्यू, लुक एट द वेन्यू, बहुत ही सुंदर है वेन्यू आज के लिए। इट्स एन आफ्टरनून लंच पार्टी, और लंच पार्टी का सेटअप, यहाँ पे स्टेज लगने वाला है, यहाँ लोग डांस करने वाले हैं, वहाँ हमारे MCs हैं और हमारे इवेंट वाले लोग हैं, और पूरा का पूरा सेटअप अभी हो रहा है। इट शुड टेक अबाउट अनदर 30 मिनट्स फॉर द सेटअप टू बी डन। लेट्स सी, लुक्स रियली एक्साइटिंग है ना, मज़ा आने वाला है। Bohemian Bavaria!
मेरा कॉन्सोल था वहाँ पे। सो क्या होता है कि जनरली जो दोपहर का फंक्शन होता है ना, इसमें इतनी डांसिंग वांसिंग का सीन नहीं होता, बट द वाइब हैज़ टू बी नाइस। और आज का पीछे का डेकोर दिख ही रहा है, इट वॉज अ फुल बोहेमियन वाइब था। तो डीप हाउस, चिल हाउस, बहुत सारा चिल म्यूजिक चल रहा था, और उसके बाद बीच में थोड़ा सा बॉलीवुड बजा, क्योंकि यार बॉलीवुड के बिना ना पार्टी में जान आती नहीं है वैसे। इट्स अ ह्यूज ह्यूज इवेंट इन गोवा, और जनरली जो वेडिंग्स के लिए आता हूँ ना, ये वेडिंग्स बाल भी ख़राब हो गए। इतनी ज़्यादा स्वेट हो रहा था ना मैं यहाँ पे आज, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना गोवा में। अभी यहाँ से जब जयपुर जाऊँगा तो फिर सीन थोड़ा वहाँ अलग होने वाला है, क्योंकि वहाँ होने वाली है ठंड। अब तो कल रात की तरह आज रात को भी होने वाला है आफ्टर पार्टी। पहले संगीत फंक्शन है, उसमें बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस होने वाली है, और उसके बाद आफ्टर पार्टी है जो जैसे कल हुआ था कल रात को। तो पहले लोग यहाँ पार्टी करेंगे और फिर इनसाइड, विच वी आई थिंक विल गो ऑन अगेन टिल लेट मोस्ट प्रोबेबली। अभी के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और बग्गी में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। बग्गी में घूमने का मज़ा कुछ और है, आपको मज़ा आता है? हाँ। आप तो रोज़ करते होगे, ये तो रोज़ करते हैं, तो इनको तो यार आदत पड़ गई है। हमारे ऐसे लोग भी घूमते हैं, हमारे शेफ क्या हेड शेफ, ये हेड शेफ है आपका नाम सुमित। सुमित आप यहाँ पे आओ तो सीधा सुमित को पकड़ लेना, आपको सब सॉर्ट कर देंगे। नहीं नहीं, उनको तंग मत करना, वो हेड है, तो नीचे वाले को तंग करना, उनको तंग मत करना। फिलहाल के लिए टाइम टू गो बैक टू आवर होटल, बाल बाल सब खराब हो गया, टाइम टू गो बैक टू आवर होटल, लेट्स गो। हे गाइस, तो वापस आया 3:30-4 बजे, ख़त्म हुआ आते आते 5 बज गए आके, पर 1 घंटे का पावर नैप ले लिया, और अभी 8:30 बज रहे हैं, और वी आर गोइंग टू द वेन्यू। टुनाइट इज द संगीत, दैट इज़ आई एम वेयरिंग दिस ब्लेजर एंड ऑल। संगीत रेडी? यस, वी आर हियर एट द वेन्यू। सुकृति एंड प्रकृति का करार परफॉर्मिंग टुनाइट, इट्स सो अमेजिंग, लुक एट द वेन्यू, इट्स ह्यूज राइट नाउ। और आज का आफ्टर पार्टी का सीन थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 10 o'clock, यहाँ लिमिट है टाइमिंग की, उसके बाद अभी एक और परफॉर्मेंस आफ्टर पार्टी में, तो शायद रूम के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, और बहुत ही कोजी और बहुत ही प्राइवेट सीन होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द पार्टी। Brand new song, Suki and Suku Puku, they are killing it. Hey guys, good morning. यार रात को ना एक्चुअली आते आते बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मैंने बोला था कि पार्टी नहीं चल पाएगी बाहर, क्योंकि ओपन एयर में ना जनरली अलाउड ही नहीं होता, और वहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया, पार्टी को शिफ्ट कर दिया अपने प्राइवेट विला में, और वहाँ पे सुबह 6 बजे तक धमाधम धमाधम पार्टी चली। ख़त्म किया, वापस आके सो गया, और अभी सामान वन पैक करके आई एम रेडी। इट्स 12:40, आई हैव अ 3:30 फ्लाइट, आई एम नॉट गोइंग बैक टू बॉम्बे, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। वो तो कहाँ, वो तो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मालूम चलेगा, बट अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत मज़ा आया गोवा में, बहुत मज़ा आया पार्टी करके, लेकिन हमारा काम है चलते जाना, तो हम चलते जाएंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्टी। माई नेम इज़ डोरेको, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग, और इसके बाद वाले वीडियो में मिलूंगा, देखते हैं जिंदगी कहाँ ले जाए, जिंदगी एक सफर है। अभी के लिए फिलहाल व्यू एंजॉय करो, और मैं अपनी चाय।